रनौत जो हमेशा अपने बयानों को लेकर विवादों में घिरी रहती हैं, तो अब की बार उन्होंने घेरा है रणबीर कपूर को। जी हाँ, उन्होंने रणबीर कपूर को सफेद पतला चूहा तक बोल दिया है। तो बात कुछ इस तरह है कि डायरेक्टर नितेश तिवारी रामायण पर एक मूवी बनाने वाले हैं, जिन्होंने श्रीराम के लिए रणवीर कपूर को और माता सीता के लिए आलिया भट्ट को कास्ट किया है। तो इस पर कंगना रनौत ने रिएक्ट करते हुए बोला, मैंने सुना है कि बॉलीवुड एक नई रामायण लाने वाला है जिसमें उन्होंने श्रीराम के रोल के लिए एक पतला सा चूहा सेलेक्ट किया है। ये सो कॉल्ड एक्टर जिसे कुछ सन टैन की भी जरूरत है, वो जो अंडरहेड सबका झूठा पीआर करने में शामिल है, जो खुद को शिव की तरह प्रूफ करना चाहता है, जो महिला करण और नशीली चीजों का सेवन करने के लिए जाना जाता है। सुना है कि वो श्रीराम बनने के लिए एक्साइटेड है और जो वाल्मीकि के अनुसार रंग रूप और आचरण से श्रीराम की तरह दिखता है उसे रावण का रोल दिया गया है। ये एक कैसा कलयुग है जहाँ पीला दिखने वाला, नशा करने वाला एक पतला चूहा श्री राम की भूमिका निभाने वाला है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जय श्री राम। ये भी सुनने में आ रहा था कि पहले सीता की भूमिका के लिए साई पल्लवी को लिया जाना था, लेकिन साई पल्लवी को हटाकर आलिया भट्ट को ये रोल दिया गया है, जिसे लेकर भी लोग काफी भड़के हुए हैं। हाल ही में तो इस मूवी को पोस्टपोन कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि ये मूवी भारत की सबसे महंगी मूवी बनने वाली है, लेकिन मूवी बनने और रिलीज होने से पहले ही कंगना रनौत ने रणवीर कपूर और आलिया भट्ट को आड़े हाथ ले लिया है। वैसे आप लोग कंगना रनौत के इस बयान से कितना सहमत हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। बॉलीवुड और सोशल मीडिया की ट्रेंडिंग न्यूज से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।